तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल से देख लिया कि आज की ये वीडियो किस पर होने वाली है, आज की इस वीडियो में मैं आपको एरिया 51 के एक और न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो आगे शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरी पिछली दो वीडियोज़ नहीं देखी एरिया 51 के ऊपर, तो आप अभी जाइए और उन दोनों वीडियोज़ को देखिए, जिससे कि आपको ये वीडियो समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं एरिया 51 के एक और न्यू अपडेट के बारे में। दोस्तों, हाल ही में एक और न्यूज़ आई है एरिया 51 को लेके कि 10 सितंबर 2019 को दो यूट्यूबर्स पकड़े गए हैं एरिया 51 में, जिनका नाम टाइस ग्रेंजियर और गोवर्ड स्वीप है। अमेरिका की पुलिस का ये कहना है कि ये करीब 3 मील अंदर पकड़े गए हैं एरिया 51 में, और इनकी गाड़ी से एक कैमरा, ड्रोन और एक लैपटॉप भी मिला है। अब इन दोनों को $500 का फाइन देना होगा या फिर इनको 6 महीने की जेल भी हो सकती है। इन दोनों यूट्यूबर्स का ये कहना है कि इनको एरिया 51 में आते समय कोई भी वार्निंग बोर्ड नहीं दिखा। और दोस्तों, जो एरिया 51 में अटैक होने वाला है, जिसमें 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, पर अब ये कहा जा रहा है कि ये इवेंट अब कैंसिल हो चुका है, पर ये अभी भी कन्फर्म नहीं है कि एरिया 51 पर अटैक होगा या नहीं। तो गाइस, यही था एक छोटा सा अपडेट एरिया 51 को लेकर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में डेट होस्ट को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।